हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट मिडिल लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर थर्ड। और इस चैप्टर नंबर थर्ड के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैसेज नंबर 13 के बारे में। इस पैसेज के अंदर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को कवर करेंगे। इसके साथ साथ इस पैसेज के एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे और इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि पैसेज के अंदर क्या दिया हुआ है। पैसेज की फर्स्ट लाइन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे लिखा हुआ है द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान। द स्टोरी ऑफ तारो, जो तारो की कहानी थी और जो मैजिक वाटरफॉल की कहानी थी, यानी कि जो जादुई झरना था उसकी कहानी, रिच द एम्परर ऑफ जापान, जो जापान के सम्राट थे, वहां तक ये कहानी पहुंच गई लोगों के द्वारा, राइट। जैसे उन्हें बात ये पता चली, उसने क्या किया, यहां पे देखिए दो वर्ड मीनिंग्स दिख रही है। सबसे पहले इसको कवर कर लेते हैं, फिर आगे की स्टोरी को हम कवर करेंगे। मैजिक लिखा हुआ है और एम्परर लिखा हुआ है। मैजिक का मतलब होता है कोई मिस्टीरियस चीज, जो जादुई चीज होती है, राइट। और एम्परर का मतलब होता है सम्राट, द मेल सॉवरेन ऑफ सुप्रीम रूलर ऑफ एम्पायर, जो उस पूरे एम्पायर का जो रूलर होता है उसको हम सम्राट कहते हैं, राजा कहते हैं, एम्परर कहते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े इस स्टोरी में तो आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। यहाँ लिखा हुआ है ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर ही एंड रिवॉर्डेड हिम विद द 20 पीसेस ऑफ गोल्ड ऑफ हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, राइट। ही सेंट, उसने अपने लोगों को भेजा और उस यंग लकड़हारे को बुलाया। क्यों बुलाया? उसे रिवॉर्ड देने के लिए। किस चीज के लिए रिवॉर्ड देने के लिए बुलाया? उसकी गुडनेस और उसके काइंडनेस के ऊपर उसको रिवॉर्ड देने के लिए बुलाया, राइट। उसे सम्मान देने के लिए बुलाया, राइट। तो आप कह सकते हो कि जैसे ही तारो और उसके जादू के झरने की कहानी जापान के सम्राट तक पहुंची तो उसने उस युवा लकड़हारे को बुलाया और इतना अच्छा और दयालु होने के लिए उसे सोने के 20 सिक्के देकर पुरस्कृत किया, उसे रिवॉर्ड दिया। 20 पीसेस ऑफ गोल्ड हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, राइट। अब आगे लिखा हुआ है ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, राइट। इसके बाद उन्होंने तारो के नाम पर शहर के सबसे खूबसूरत झरने का नाम रखा। उसी तारो के नाम पर शहर का जो सबसे खूबसूरत झरना था उसी के नाम पर रखा, राइट। न सिर्फ उसके नाम पर रखा, आगे स्ट्रीम लिखा हुआ दिस सेड टू एम्परर वॉज द इनकरेज ऑल चिल्ड्रंस टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। और न सिर्फ उसके केवल नाम रखा बल्कि सम्राट ने कहा यह सभी बच्चों को उनके माता पिता का सम्मान करने और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए था। उन्होंने कहा, न सिर्फ उनके नाम रखा बल्कि उसने कहा, सम्राट जो था उसने कहा कि जो भी बच्चे हैं उन सभी के लिए माता पिता को सम्मान करने और उनकी आज्ञा को पालन करने के लिए एक ऑनर की तरह था, एंड ओबे देयर पेरेंट्स, राइट। और यहाँ पे जो आप मीनिंग को देख पा रहे हैं, जो मीनिंग को देख पा रहे हैं, एक है इनकरेज। इनकरेज इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना, इंस्पायर करना, राइट। कॉन्फिडेंस देना, स्प्रीड देना, उसको हम कहते हैं इनकरेज। और ऑनर का मतलब होता है सम्मान, ऑनेस्टी, फेयरनेस, इंटीग्रिटी, जिसको हम कहते हैं इन वन बिलीव्स एंड एक्शन, जिसे हमें विश्वास होता है उसको हम ऑनर कहते हैं, राइट। अगर इन सारे पैराग्राफ को हम समझने की कोशिश करें और एक साथ समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हो कि द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिकल वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान, राइट, रीच द एम्परर ऑफ जापान। तो आप कह सकते हो कि तारो और उसके जादू के झरने की कहानी जापान के सम्राट तक पहुंची और उसने उस युवा लकड़हारे को बुलाया और इतना अच्छा और दयालु होने के लिए उसे सोने के 20 सिक्के देकर, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, राइट, सोने के 20 सिक्के देकर उसे पुरस्कृत किया, यानी कि रिवॉर्ड दिया। और ना सिर्फ पुरस्कृत किया, इसके बाद उन्होंने तारों के नाम पर शहर का सबसे खूबसूरत झरने का नाम रखा। और ये जो सम्राट ने कहा कि यह सभी बच्चों के लिए उनके माता पिता का सम्मान करने, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहा था। और जापानी स्टोरीज रीटोल्ड, फिर से सुनाई गई एक जापानी कहानी है
अगर आप समझें इस चीज को। तो अब इस पैसेज को तो आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, इसकी मीनिंग को समझ लिया, वर्ड मीनिंग्स को समझा, एक्सप्लेनेशन को समझा। इस पैसेज के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हु हर्ड द स्टोरी ऑफ तारो एंड मैजिकल वाटरफॉल, किसने तारो और उसके मैजिकल वाटरफॉल की कहानी सुनी, तो आप कह सकते हो एम्परर ऑफ जापान, राइट? एम्परर ऑफ जापान, जो जापान के सम्राट थे उन्होंने सुना। द एम्परर हर्ड द स्टोरी ऑफ तारो एंड मैजिकल वाटरफॉल। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो व्हाई डिड एम्परर गिव रिवॉर्ड टू तारो, तारो को जो सम्राट था उसने रिवॉर्ड क्यों दिया, उसको पुरस्कार क्यों मिला और किस लिए मिला? उसकी काइंडनेस और उसकी गुडनेस की वजह से मिला, और इसके बदले में उसे 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, सोने के सिक्के मिले हैं, राइट? तो आप इसके आंसर्स में कह सकते हो द एम्परर गेव रिवॉर्डेड टू तारो बिकॉज फॉर हिज गुडनेस एंड काइंडनेस। और आई होप कि ये जो पैसेज है आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, जिसमें आपने इसकी वर्ड मीनिंग्स को कवर किया, इसके एक्सप्लेनेशन को देखा, और इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको भी आपने देखा। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है तो आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम। एट द लास्ट गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।